how important is the role of physiotherapy in the patients admitted to hospital with stroke, and when to start physiotherapy and for how long should it be continued? Physiotherapy kitni zaruri hai hospital mein admitted patients ke liye, kab shuru karni chahiye, kab tak karni chahiye? Indraval, sorry, thank you. आई बिलीव हमने ये तो समझ ही लिया कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जब किसी को ऐसे कोई सिम्टम्स हो. कहा गया है कि आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो, उतना ही डिसेबिलिटी या स्ट्रोक के होने के बाद जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम रह जाती है वो मिनिमाइज करी जा सकती है. सो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड. उसका पहला इलाज मेडिकल मैनेजमेंट है कि जब पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाए तो फिजियोथेरेपी 24 से 48 घंटे के बीच में कभी भी शुरू करी जा सकती है. दैट्स एज अर्ली एज दिस. बहुत सारा आजकल बहुत रिसर्च सब जगह होती हैं, पब्लिश होती हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, सब में ये इट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अगर हम फिजियोथेरेपी शुरू कर दें तो पेशेंट अच्छे से रिकवर करता है. और जो पेशेंट जिसमें जिसका हाथ या पैर मूव कर रहा है उस समय में, उनकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है? बैक टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, कि हमको जो भी हुआ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ना हैम्पर करे. हॉस्पिटल से मरीज स्टेबल होके घर जाता है, लेकिन अगर वो अपनी टॉयलेटिंग नीड्स के लिए, अगर उसको केयर गिवर चाहिए, अगर चलने फिरने के लिए, करवट दिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, बात इवन अपनी बात समझाने के लिए अगर कोई चाहिए तो वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ना हुई. लेकिन अगर हम शुरू में ही फिजियोथेरेपी शुरू करें तो उससे ये होता है कि जो हमारे इसमें जैसे कई चीज़ें ध्यान रखने की है, क्योंकि पेशेंट बेड पे लेटा है, हो सकता है कि उसको उस साइड का प्रॉब्लम हो जहाँ वो बोल भी ना पा रहा हो. तो सपोज अगर उसको अपना यूरिन और मोशन का कंट्रोल नहीं है, वो बेड पे है तो गीला होएगा तो स्किन ब्रेक डाउन हो सकता है, दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. उसका हाथ या पैर वो नहीं हिला पा रहा है तो अगर वो लंबे समय तक नहीं कर पाएगा तो वहाँ वो जोड़ सख्त हो जाएगा. और धीरे धीरे स्ट्रोक क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो जो बॉडी की एक नॉर्मल टोन है कि हम हाथ हिला पा रहे हैं नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो टोन बढ़ जाती है. तो वही चीज़ अगर सपोज ऐसे है तो उसको खोल पाना ही मुश्किल है. अगर हम उसको रेगुलर करते रहेंगे तो वो टोन जो ऊपर से रिले हो रहा है वो रहेगा तो ज़्यादा, लेकिन हमारी कहीं भी कॉन्ट्रैक्चर या टाइटनेस नहीं डेवलप होंगे. ये चीज हुई अबाउट मोबिलिटी. ऐसे ही पेशेंट का चलना फिरना, उसको टॉयलेटिंग, बहुत सारे पेशेंट को इनिशियली स्वॉलोइंग में भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो उसका पता लगे कि ये स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो शुरू में इसीलिए ट्यूब राइस ट्यूब डालते हैं. लेकिन जल्दी से जल्दी इवन फिजियोथेरेपिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वो मिलके उसको उनको वापस से उनकी स्वॉलोइंग रिवाइव कर सकते हैं. दूसरी चीज हुई ट्रांसफर. जैसे हम बेड से चले या टॉयलेट गए या चेयर में बैठे, वो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट उनको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं. और अलोंग विद दैट अगर हम थोड़े लंबे समय तक इसी पोजीशन में रहते हैं तो बॉडी का बैलेंस या ब्रेन के उस एरिया में वो इफेक्ट होए स्ट्रोक, जिससे आपका बैलेंस ठीक ना रहे. तो हम सब बड़े लोग ये बात तो मानेंगे, हाफ ऑफ द टाइम्स हम सब कुछ जल्दी जल्दी इसलिए नहीं करते कि शायद मेरा बैलेंस ना लड़खड़ा जाए. जितने एजाइल और एक्टिव आप यंग एज में थे, आज आप संभल के करते हैं कि अगर बैलेंस बिगड़ गया तो हो सकता है गिर जाऊंगा. तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए, चाहे वो बैलेंस है, चाहे वो मोबिलिटी है, चाहे वो ट्रांसफर्स है. और हम लोग जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, जब पेशेंट इनिशियली आता है तो हम डॉक्टर राजन के जैसे सारे पेशेंट्स भी गेट अ रेफरल. उसके बाद हम उनका एक फिम स्कोर बोलते हैं विच इज फंक्शनल इंडिपेंडेंट मेजर, जिसमें 18 चीजें हैं कि क्या मरीज टॉयलेट खुद
उठ बैठ सकता है, जा सकता है, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, ऐसी कई चीजें हैं, उस पर उनकी एक स्कोरिंग करते हैं। तो जो इनिशियल स्कोर है, और जिस दिन पेशेंट डिस्चार्ज लेके घर जा रहा है आफ्टर फिजियोथेरेपी, आफ्टर ऑल द सर्विसेज, उस दिन उसका स्कोर क्या है, तो वो स्कोर डेफिनेटली बेटर होता है। और अगर हम उसको रेगुलर करते रहे तो ये एक नापने का तरीका है कि मैं वापस से एबल हो गया, वापस से अपनी लाइफ में जा सका। सो आई बिलीव आई हैव आंसर्ड हाउ अर्ली इट शुड बी डन एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। जस्ट एक चीज ऐड करूंगा कि रोज मैं ओपीडी में सुनता हूँ कि जी अब तो डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए, अब तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो गई नहीं, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, अटर नॉनसेंस। फिजियोथेरेपी में ये नहीं होता कि 6 महीने बाद इम्प्रूवमेंट नहीं होती, सब घर की बातें। आई शो यू पेशेंट्स ऑफ माइंड 6-7 महीने बाद आए हैं अस्पताल में, स्टिफनेस थी, उनको स्टिफनेस को रिलीव करने के लिए हमने एक इंजेक्शन दिया जिसका नाम है बोटॉक्स, उसके बाद सीमा ग्रोवर के साथ मिलकर एक्सरसाइज करें एंड वी इम्प्रूव देयर फंक्शनल। सो द अल्टीमेट एम ऑफ दिस टीम इज टू इम्प्रूव द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगी, ब्रेन की एक क्वालिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको हम ब्रेन प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो आप सोचिए ना कितना इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आंखें देखती है और बताती है कि ऐसा करो, कान सुनता है और आप वही काम करते हैं, है ना, सो दिस इज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। लेकिन जब स्ट्रोक के कारण वहां पर खून का दौरा नहीं जाता तो वो जो नर्वस सिस्टम, जो वहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो काम नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते रहें तो जो हमारे साइनेप्सिस है या जो उनका कंट्रोल है वो अल्टरनेट पाथवेज डेवलप कर लेता है। जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, आप किसी पत्थर पे भी रस्सी चलाते रहे तो निशान पड़ता है, ऐसा ही अगर आप रिपीटेडली एक्टिविटीज करते रहें तो डेफिनेटली वो सब मोटर कंट्रोल या मांसपेशियों का कंट्रोल वापस आ जाता है। फिजियोथेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इफ यू नेम देम, न्यूरोडेवलपमेंटल थेरेपी, ब्रेनस्टॉर्म, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम पेशेंट को वो सारी चीज़ें वापस उनको जैसे वो पहले करते थे उसको धीरे धीरे सिमुलेट करके उनको उसी नॉर्मल पैटर्न में उनको सब कुछ करा देते हैं, और धीरे धीरे सब पेशेंट्स दे डेफिनेटली अचीव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस। हम सब का, आपका और हमारा एज केयर गिवर, शायद यही रोल होगा कि हमारा पेशेंट फंक्शनली जितना ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट रहे, वही हमारी सबकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने काम खुद कर सके।